गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले हम ये समझेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है। इस चैप्टर में बताया गया है कि फसलों का उत्पादन कैसे होता है और उनका रख रखाव कैसे होता है। मैनेजमेंट का मतलब है रख रखाव। इसमें पहेली और बूझों के माध्यम से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब एक तरह का कोई पौधा बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उन्हें क्रॉप कहा जाता है। जैसे गेहूं का क्रॉप हो गया, दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। खेतों में उगाए जाने वाले हर तरह के फसलों को क्रॉप कहा जाता है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फसल भी कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ अनाज होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फल होते हैं। इनको कई तरह से क्लासिफाइड किया गया है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी डिफरेंट होता है। जो रेनफॉल वाले जगह हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर अलग तरह के पौधे उगते हैं, और जो जो ड्राई प्लेसेज है वहाँ पे अलग तरह के पौधे उगते हैं। इस तरह से इसको दो भागों में बांटा गया है। क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड इन टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप क्या है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम में जो पौधा उगाया जाता है, जो फसल उगाया जाता है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। इनमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट सारी फसलें हैं। ये जून से सितंबर के बीच इन तरह की ऐसे फसलों को उगाया जाता है। दूसरा है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो होता है जो अक्टूबर से मार्च के बीच यानी विंटर सीजन में इसको उगाते हैं, और इनमें गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि होता है। इसके बाद है बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यानी फसलों का उत्पादन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमें खेत को जोतना पड़ता है। उसके बाद से स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सबसे पहले मिट्टी का प्रिपरेशन करते हैं, उनमें से घास फूस इत्यादि को निकालते हैं। इसके बाद सोइंग है यानी पौधा लगाना, बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर उसमें खाद डालना, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर खाद डालना, इरिगेशन करना, सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर खरपतवार से रक्षा करना, उनको निकालना, जो भी अनावश्यक घास फूस उग जाते हैं उनको निकाल के फेंकना। फिर हार्वेस्टिंग होता है यानी फसल की कटाई एंड देन स्टोरेज, स्टोरेज लास्ट में फिर स्टोरेज करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल क्या होता है, किस तरह से हम मिट्टी को फसल के उत्पादन लायक बनाते हैं, इसके लिए कई सारे मशीनों का उपयोग किया जाता है। इन मशीनों से मिट्टी के परत को कई बार पलटते हैं। ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि फार्मर्स के फ्रेंड कहे जाते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म है। ये सारी चीज़ें, ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, उनको फसल उगाने लायक बनाते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद से टिलिंग, टिलिंग या प्लोइंग, ये फर्स्ट प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ लूजेनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल, मिट्टी के परत को पलटना और उनको ढीला करना, उनको नरम करना, ये टिलिंग या प्लोइंग कहलाता है। इसको हल से भी किया जाता है, इनको ट्रैक्टर से भी किया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है, यानी समय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे औजार आ गए हैं जिसका उपयोग आजकल किया जाता है। पहले के ज़माने में प्लो यानी हल का प्रयोग करते थे, बैलों के साथ इसको अटैच करके और खेतों की जुताई करते थे।
इसके बाद एक है हो, इट इज सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, खरपतवार को निकालने के लिए हो का प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आता है, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर। सेकेंड स्टेप है सोइंग, बीज को कैसे बोते हैं। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सोइंग है, यानी बीज बोना है। इसके लिए फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स, जो भी फसल का उत्पादन करना है उससे संबंधित बीज को बोते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स। इसके लिए क्या करते हैं कि एक बीकर में पानी लेकर के और उसमें बीजों को डालते हैं, और जो बीज ऊपर तैरती रहती हैं उसको फेंक देते हैं, और बाकी जो डूब जाती हैं उनकी बुआई करते हैं, वो बीज असली होते हैं। ट्रेडिशनल टूल यानी जो पारंपरिक टूल ये सारी हैं, ये हल जो बैलों के साथ जोड़ करके खेत की जुताई करते थे। इसके बाद ये सीड ड्रिल मशीन आप देख रहे हैं, ये सीड को लगाने के लिए मतलब बीज बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है जब बीज बो लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर, यानी पौधों को ताकत देने के लिए, पौधों को और अच्छे से उगाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, कुछ पोषक तत्व डालते हैं, खाद जिससे हम कहते हैं। इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर भी होता है और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हम खेतों में डालते हैं, और ये कहाँ से आता है, एनिमल या प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल से आता है, जैसे गोबर का खाद है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स, सबसे पहले किसान एनिमल के वेस्ट मटेरियल को एक गड्ढे में डालते हैं, घास फूस को डालते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो एक खाद के रूप में तैयार हो जाता है। यहाँ एक्टिविटी दी गई है जिसमें प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि कैसे हम उसको मूंग या ग्राम सीड्स को जर्मिनेट करेंगे ग्लास में रख करके, इसको बच्चे घर पर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिला होता है। पौधों को उगाने के लिए इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। क्रॉप रोटेशन, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड अबाउट राइजोबियम, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और प्लांट को ग्रो करने के लिए उनकी मदद ली जाती है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर डालने का क्या फ़ायदा है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, जो मैन्योर होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर है, जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है, जैसे एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो कूड़ा करकट हम फेंकते हैं उसको सड़ा गला के जो खाद बनाते हैं वो मैन्योर है, और जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल होता है, उसको फैक्ट्रीज में तैयार की जाती है। तो मैन्योर का क्या एडवांटेज है, ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, मैन्योर को फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर माना गया है। इट इन्हेंसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल, ये मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखता है। इट मेक्स द सॉयल पोरस, और ऐसे मिट्टी पोरस हो जाती है, मतलब उसमें एक भुरभुरी सी हो जाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इससे माइक्रोब्स जो भी हमारे लिए या पौधों के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होता है माइक्रोब्स, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसके बाद सिंचाई, इरिगेशन, इरिगेशन करने का यानी सिंचाई करने का भी कई तरीका होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, समय समय पर पौधों को पानी देने का जो तरीका होता है उसको इरिगेशन कहते हैं। समर सीजन में या विंटर सीजन में पानी कितनी मात्रा में देना है इसके लिए अलग स्टडी की जाती है।
सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई हम किस किस माध्यम से कर सकते हैं, कुएं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से, जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पर कैनाल बिछाए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, पहले के ज़माने में कौन सा सिस्टम यूज किया जाता था, पुले सिस्टम, चेन पंप, जैसे यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, ये मोट है, इसमें कुएं से पानी निकाल के पौधों में डालते थे, फिर चेन पंप है, और इसके बाद से रहट है जिसको बैल वगैरह चलाते थे, ये एक डंडे से लगा हुआ था और पानी फिर एक सोर्सेस से निकलता रहता था, ढेकली है, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक या डीजल से चलने वाले मोटर्स आ गए हैं, मॉडर्न मेथड्स, ये मॉडर्न मेथड से स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ये जो फिगर दिया हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें जो छोटे छोटे टैप लगे होते हैं वो बौछार जैसे पानी निकालते हैं और वो काफ़ी दूर तक फैलता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, ऐसे जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जो ज़मीन अनइवन होती है, यानी जो ज़मीन बराबर नहीं होती है। तो बराबर नहीं होती है तो वहाँ पर अगर हम किसी कैनाल से या किसी नाले के रास्ते से पानी डालेंगे तो वहाँ बराबर नहीं पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है। ड्रिप सिस्टम, एक सिस्टम में ड्रिप सिस्टम इस फोटो में दिया हुआ है, इसमें पाइप में बहुत सारे होल बनाए जाते हैं और फिर जब उसको मोटर से सप्लाई करते हैं तो ड्रिप का मतलब होता है बूंद, यानी बूंद बूंद करके पानी गिरता है और वो पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अनावश्यक खरपतवार भी उगाता है, इनको जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और वीड्स को निकालने का जो प्रक्रिया है उसको वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स, और वीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वीडिंग जब हम कर देते हैं यानी खरपतवार को निकाल देते हैं तो पौधों को उगने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल, वीड्स यानी खरपतवार ज़्यादा ना उगे इसके लिए केमिकल्स दवाइयाँ भी छिड़काव करते हैं। फिर लास्ट है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, हार्वेस्टिंग करना भी ज़रूरी होता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग करते हैं, इसके लिए इस तरह का सिकल यूज़ करते हैं। और हमारे देश में गेहूं की फसल हो गई या धान के फसल हो गए उसकी कटाई करते हैं, सारी फसलों को करते हैं, फिर थ्रेसिंग करते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल, सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड, हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्रीज आइदर डन मैनुअली और बाईसिकल और बाई ए मशीन, हमारे देश में या तो ये मशीन से किया जाता है या तो फिर मैनुअली यानी मजदूरों को लगा करके भी किया जाता है हार्वेस्टिंग। फिर है विनोइंग और थ्रेसिंग, थ्रेसिंग समझेंगे क्या है, थ्रेसिंग का मतलब ये है कि जो अनाज कट जाता है, जो कि फसल जब कट जाता है तो उसमें से जो घास फूस है इत्यादि को निकाल करके और अनाज के दाने को अलग करते हैं, कंबाइन मशीन भी ये काम करता है, मैनुअली भी किया जाता है। इसके बाद है विनोइंग, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन, ग्रेन को खरपतवार से अलग करने के लिए विनोइंग करते हैं, इसमें एक फैन लगा दिया जाता है, एक मोटर चलता है जिसमें से तेज हवा निकलती है और फिर कोई फार्मर उसको फिर क्या करता है कि उस हवा से उसके जो अनाज हैं वो बच जाते हैं और खरपतवार उग जाता है, जैसे भूसा अलग हो जाता है। फिर स्टोरेज, जो लास्ट प्रोसेस है मैनेजमेंट का वो स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, अगर हमें अनाज को लंबे समय तक रखना है तो उनको नमी से, कीड़ों से, चूहों से और दूसरे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ेगा। इसके लिए हम उसको स्टोरिंग करते हैं, उसको सेफ प्लेस पर रखते हैं ताकि किसी बैक्टीरिया का अटैक ना हो। इस तरह के स्टोरेज सिस्टम बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, ग्रेनरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर गोदाम जो अनाज का भंडार होता है उसको बोलते हैं ग्रेनरीज। फूड फ्रॉम एनिमल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। प्लांट की तरह एनिमल भी हमारे लिए भोजन का सोर्स है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश। जैसे जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो अनाज कम खाते हैं, बल्कि समुद्रों में पाए जाने वाली मछलियाँ या और जो छोटे छोटे जो एनिमल हैं उसको भी अपना आहार बनाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? व्हेन दिस इज डन एट अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन में हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स अपनाए जाते हैं। सोइंग है और उसके बाद से हार्वेस्टिंग है। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम। उसी तरह से जब जानवरों को पाला जाता है किसी फार्म में या किसी घर में, तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है और उनको प्रॉपर फूड देना होता है, उनकी सुरक्षा करनी होती है। जब ये लार्ज स्केल पे होता है, भारी मात्रा में होता है, तो उनको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। इसके बाद से कुछ क्वेश्चन है।